के अंतर्गत वाराणसी में बीएसएल लैब मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की वर्चुअल आधारशिला रखें। आखिरकार हम कार्यक्रम के सबसे बहुप्रतीक्षित भाग यानी पुरस्कार समारोह में आ गए हैं। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस, ये वो पैमाना है जिससे किसी जिले और राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के स्तर पर टीबी समाप्त करने की दिशा में प्रगति को मापा जाता है। इस मापन के लिए 2015 को आधार वर्ष माना जाता है। जो राज्य और जिले टीबी के मामलों में सराहनीय कटौती हासिल करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र, पदक और तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए वर्चुअली आधारशिला रखी है इन तमाम मॉडल्स के, वो मॉडल जो टीबी मुक्त भारत को बनाने के लिए अहम पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। वर्ल्ड टीबी समिट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को नवरात्रों का ये गिफ्ट दिया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत अभियान का आज शुभारंभ कर दिया है। साथ ही जो छोटे टीबी निवारक उपचार होते हैं, टीबी मरीजों के परिवार होते हैं, उनकी देखभाल के मॉडल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस सम्मेलन का आज आयोजन हो रहा है और 30 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। अब उनको सम्मानित किया जाएगा जो अपने अपने सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट में उस मॉडल की आज आधारशिला रखी है जिसके तहत 2025 तक ये संकल्प लिया गया है कि भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। उसके लिए न सिर्फ पंचायत के स्तर पर घर घर जाकर भी कि किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए टीबी के खतरे को लेकर, अगर उनके घर में कोई टीबी का मरीज मौजूद है तो किन प्रिकॉशंस का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, वो एक टीम होगी जो लोगों के घर पहुंचेगी और घर जाकर उनको अवेयर करेगी। इसके साथ साथ पंचायत के स्तर पर भी, क्योंकि जो गांव देहात के इलाके होते हैं